नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। आज हम बात करने वाले हैं लिंग का टेढ़ापन, इसके बारे में। काफ़ी लोग मेरे पास में ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, कॉल करते हैं, और उनको फिक्र रहती है बात की कि उनका लिंग जो है वो टेढ़ा है, टेढ़ापन है। एक तो वो बाएं तरफ झुका रहता है, नहीं तो वो दाएं तरफ झुका रहता है, नहीं तो नीचे है, नहीं तो ऊपर है, ऐसे कुछ ना कुछ उनकी कंप्लेंट रहती है। उसके साथ साथ उनकी ये भी कंप्लेंट रहती है कि अपना लिंग छोटा है, कमज़ोर है, मोटा नहीं है, लंबाई में कम है, और मोटाई जो है उसका घेर, सरकमफ्रेंस, उसमें भी कम है। एक्चुअली क्या है कि लिंग का टेढ़ापन जो है वो थोड़ा बहुत रहता ही है। ऐसे नहीं कि एकदम लिंग एकदम सीधा का सीधा ऐसे कैसे रहेंगे। क्या है कि कोई भी व्यक्ति की जो स्टाइल है लिंग रखने की, उसके ऊपर उसका टेढ़ापन बाएँ तरफ है कि दाएँ तरफ है वो डिपेंड है। क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति लिंग को बाएं तरफ रखता है अंडर पैंट पहनने के बाद में, और वो बाएं तरफ रख रख के उसको बाएं तरफ का झुकाव मिल जाता है और वो बाएं तरफ टेढ़ा लगता है, ऐसा रहेगा। कुछ लोगों को लिंग दाएं तरफ रखने की आदत है, तो वो दाहिने तरफ रख रख के उनको ऐसा लगता है कि दाहिने तरफ थोड़ा टेढ़ा हो गया है क्या, क्योंकि वो उसको प्रेशर इधर से मिलते जाता है। तो इस तरह से वो या तो लेफ्ट या राइट रहता है, मैक्सिमम लोगों का लेफ्ट रहता है मैक्सिमम, क्योंकि आदत लोगों को लेफ्ट में रखने की ज़्यादा लोगों को होती रहती है। तो इसमें कुछ फिक्र वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है। सेंटर में कभी कभी लिंग टेढ़ा हो सकता है, सेंटर के बाजू। क्या होता है कि कभी फाइब्रोसिस जो होता है, फाइब्रोसिस तो कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम ये जो है, तो इसका फाइब्रोसिस कभी कभी हो जाता है, और उसके वजह से लिंग का थोड़ा टेढ़ापन, खिंचाव एक तरफ हो सकता है। अभी थोड़ा हो गया टेढ़ा बाएं तरफ या दाएं तरफ, तो उसे कुछ होता नहीं, उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। लिंग एकदम ही बहुत टेढ़ा है, मतलब इतना ऐसा झुका है, इतना ऐसा झुका है, या ऐसा झुका है कि अंदर जाने में तकलीफ हो रही है, स्त्री को तकलीफ हो रही है, पुरुष को भी तकलीफ हो रही है, तो उसको बोलते हैं पायरोनिस डिसीज। फाइब्रस बैंड टायर होते हैं, पायरोनिस डिसीज, और उसके वजह से वो टेढ़ापन होता है। फिर बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा है तो उसका छोटा सा ऑपरेशन है कि फाइब्रस बैंड जो तैयार हुए हैं फाइब्रोसिस, वो थोड़ा लूज़ करना पड़ता है ऑपरेशन करके, और वो लिंग फिर सीधा हो सकता है। मगर ज़्यादातर हम ऐसा रिकमेंड नहीं करते कि भाई ऑपरेशन करो, क्योंकि नाजुक जगह है, चिंता रहती है लोगों को, फिर कुछ तो भी साइकोलॉजिकल असर हो जाता है कि मेरा ऑपरेशन हो गया अब कैसा होगा, टेंशन एंग्जाइटी आती है, इसलिए बोलते कि ज़्यादातर ऑपरेशन मत करो। पर एकदम ही ऐसा झुकाव है तो फिर अंदर जाने के लिए तकलीफ होगी, तो फिर सीधा करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ यदि आपका लिंग बाएं तरफ है तो उसको दाएं तरफ रखना चालू करो, अंडरपैंट पहनते हैं तब, दाएं तरफ झुका हुआ है तो बाएं तरफ रखना चालू करो, या फिर आप उसको जब इरेक्ट करते हैं तो इरेक्ट करने के बाद में समझे ऐसे इरेक्ट हो गया तो जिस बाजू में भी वो झुका हुआ है तो उसको ऐसा प्रेशर देके सीधा रखने की कोशिश करो कुछ समय तक। तो उसको ऐसा प्रेशर करते इधर से और उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं तो धीरे 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 उसको उसका फ़र्क दिख सकता है। 4-6 महीने करना पड़ेगा तो सीधा हो सकता है। सरकमफ्रेंस के बारे में, लूज़ कंडीशन में 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए, लंबाई में और गोलाई में भी 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए, और इरेक्शन में लंबाई में और गोलाई में 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए, बाकी तो चलता ही है। हस्तमैथुन से ऐसा कुछ होता नहीं है। लिंग का टेढ़ापन, छोटापन, दुबलापन, पतलापन हस्तमैथुन से होता नहीं है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।